द्वंद नहीं चल रहा, यहाँ कोई राजनीति नहीं चल रही, ये परिवार चल रहा है। परिवार में जो जितना सक्षम, जो जिस तरह से अपना संपूर्ण दे सके, जहां भी जितनी सेवा कर सके वही श्रेष्ठ है। तो मेरे इष्ट कौन से वहां पत्थर उठाने से छोटे पड़ गए? क्या कभी किसी ने कहा कि वो नहीं, उन्होंने पत्थर उठाई थी वो भगवान नहीं है? ऐसा नहीं कहा, न किसी ने ये सोचा, न किसी के ये विचार उत्पन्न हुआ। लेकिन संपूर्णता देखिए, उस रसिक की मना नहीं किया पूजा तक को भी, दे भाव से भी। पूजा ने क्या मांगा उनसे? विचार करिए, एक रात्रि चाहिए पर वो आपकी भोग के लिए, वासना के लिए। लेकिन श्री कृष्ण वहां भी मना नहीं कर रहे, ये नहीं कहा कि तुम योग्य नहीं हो, तुम पात्र नहीं हो। बहुत बड़ा पात्र चाहिए, गोपियां बहुत पात्र थी, राधा जी बहुत पात्र थी, तुम नहीं हो सकती, ये नहीं कहा। वो जानते थे जिस पात्र को जितना देना है उसको उतना ही दे दो। कितना तेज होगा उस परम पिता के अंदर, कितनी चेतना होगी। आज रास का महोत्सव है, रास की रात्रि है, महारास। जिसका रास के अंदर प्रवेश हो जाता है, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जब हमें गुरुपद प्राप्त हुआ तो 14 गुरु थे पूरी पृथ्वी के अंदर, लेकिन आज 12 हैं, 2 जा चुके हैं। इन 12 के अंदर ही ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, लगभग 4 या 5 ही रसिक हैं, 4 या 5 रसिक जिनका रास के अंदर प्रवेश है। पूरी धरा के ऊपर कितनी बड़ी धरा होगी, तो रास के अंदर ऐसे ही प्रवेश नहीं होता, बहुत दूर जाना पड़ता है, जीतना पड़ता है एक एक इंद्रिय को, एक एक मन को जागृत करना पड़ता है, एक एक शरीर को। मैंने एक एक शरीर को इसलिए बोला है, आप समझ नहीं पाएंगे कि एक एक शरीर को क्यों बोला है। हमें तो एक ही दिखाई दे रहे हैं, अगर एक ही दिखाई दे रहे हैं तो एक एक शरीर का क्या अर्थ है? ये क्यों नहीं बोला कि शरीर को जागृत करना पड़ता है, चेतना को जागृत करना पड़ता है। जो ये शरीर आप देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है, जब ये छूट जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर सूक्ष्म शरीर होता है। ये नहीं कि ये छूटा और आत्मा बाहर हो गई, नहीं, ऐसा असंभव है। ये किसी योगी के साथ ही घटना होगी कि सब के सब शरीर एक साथ छूट जाए और उस चेतना में चेतना मिल जाए, आत्मा में ये उस परमात्मा का जो अंश है वो अंशी के अंदर मिल जाए, बहुत कम होगा। योगियों के साथ ये घटना होगी। सूक्ष्म के बाद कारण शरीर है, उसके बाद ज्ञान देही, उसके बाद विज्ञान देही, उसके बाद फिर आत्मा अलग शक्ति है, बहुत दूर हो जाती है, और फिर उस परम पिता से एकाकार होता है। तो उस ऊंची स्थिति तक पहुंचने के लिए, वहां जाने के लिए सबसे आवश्यकता उस ध्यान की है, उस परमात्मा के नाम की है, उस स्मरण की है जो हम भूल गए हैं, जो ऋषियों ने रीत चलाई थी, जो ले करके गए थे, जो ले करके गए हैं वहां। तो वो रीत हमें जितना ज्यादा हो सके ध्यान करना है, भजन करना है,
एकाग्रता प्राप्त करनी है। पुरजुनी है, कार उत्पन्न हो गया है, इसे दूर करना है। पवित्र भाव से भजन करते हुए, ध्यान करते हुए, एकाग्रता करते हुए उस परम चेतना की प्राप्ति करनी है। लेकिन चाहिए जागृति, बिना जागृति के नहीं हो सकता। चाहिए विचारों के ऊपर पकड़, बिना विचारों के ऊपर पकड़ नहीं हो सकता। तो आप विचारों के ऊपर पकड़ बनाइए, फिर एकाकार करने की कोशिश कीजिए, फिर वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए। यही उस परम चेतना का खेल शुरुआत होगी। और वहां पहुंचने के लिए केवल ध्यान, प्रेम, जागृति, ज्ञान, योग, भक्ति, समर्पण, भाव, इन चीजों की बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो आप जितना ऊपर उठते चले जाएंगे, परमात्मा उतना ही नजदीक आता चला जाएगा। तो आप भजन करें, ध्यान करें और एकाग्रता बनाए रखें। जितने ज्यादा निर्विचार होंगे, उतने ही उस परमात्मा के नजदीक होंगे। और जितने वासना के अंदर फंसेंगे, उतनी स्थिति नीचे जाती जाएगी। निष्कामी होते हुए हमें आगे बढ़ना है उस परम चेतना की ओर। तो आप ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए उस परम पिता परमात्मा से, बार बार प्रार्थना कीजिए। जब आप उसे पुकारेंगे हृदय के साथ, केवल शब्द से नहीं, केवल दुख से नहीं, केवल राम राम कहने से राम नहीं प्राप्त होगा। जब हृदय से पुकार होगी, तब उस परम चेतना की जागृति होगी। तो आप पुकारिए उस परम पिता को, उस अनंत को, और ध्यान कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। जितना ज्यादा ध्यान होगा, उतनी विचार के ऊपर पकड़ बनती चली जाएगी। और ये जो फैले हुए विचार हैं, ये सब एकाग्र होते चले जाएंगे और प्रेम रूप का रस्सा बट जाएगा और उस परमात्मा तक ये डोर ले जाएगी। और जब उस परमात्मा तक पहुंचोगे तो सब कुछ पालोगे। जो जो भूल हुई है, जो तो गलतियां हुई है, प्रायश्चित करते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए उस परमात्मा की ओर बढ़े और भजन करें। जब भी जागोगे तभी सवेरा हो जाएगा। जहां से भी कदम बढ़ाना शुरू करोगे, वहीं से आगे कदम रास्ता छोटा होता चला जाएगा। लेकिन बढ़ना तो होगा ही, पहुंचना तो होगा ही। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर